yourself around. तो फाइनली दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते रिलीज होने वाली वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक ट्रिपल आर, जिसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 10,000 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज करने की प्लानिंग हो चुकी है और यह फिल्म अपने पहले दिन एक ऐतिहासिक ओपनिंग लेने वाली है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं ट्रिपल आर के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में, जानने वाले हैं दोस्तों इसकी इस फिल्म ने अभी तक कितने करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग हासिल कर ली है और क्या यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बाहुबली 2 के रिकॉर्ड्स को तोड़ पाएगी या नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी यंग टाइगर जूनियर एनटीआर, मेगा पावर स्टार रामचरण के डाहाट फैंस है और एसएस राजामौली सर की इस मच अवेटेड फिल्म का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि एक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है ट्रिपल आर, जो कि दो स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर बनाई जा रही फिल्म है। इस फिल्म के लीड में दोस्तों आपको तेलुगु सिनेमा के दो पावरफुल सुपरस्टार्स यानी कि यंग टाइगर जूनियर एनटीआर और मेगा पावर स्टार रामचरण तो नजर आने ही वाले हैं, साथ ही साथ दोस्तों बॉलीवुड के मास महाराजा और बेहद ही टैलेंटेड एक्टर अजय देवगन सर और आलिया भट्ट भी इस फिल्म में आपको नजर आने वाली है। दोस्तों बताते चले आपको कि लगभग 450 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली यह फिल्म इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिग बजट फिल्म है, जो कि दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन एक बहुत ही बड़ी ओपनिंग ले सकती है। इस फिल्म के दोस्तों बजट के अलावा इस फिल्म के प्रमोशंस पर काफी पैसा खर्च किया जा रहा है, साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म के जो इवेंट्स है उन पर भी काफी पैसा खर्च किया जा रहा है। इस फिल्म का एक्शन, इस फिल्म के विजुअल्स, इस फिल्म में दोनों एक्टर्स की बॉन्डिंग, मतलब हर तरह से दोस्तों ये फिल्म एक परफेक्ट फिल्म है जो कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कई सारे रिकॉर्ड्स बना सकती है। और अगर बात की जाए दोस्तों यहां पर इस फिल्म की रिलीज के बारे में और इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में, तो दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म की एडवांस को शुरू हुए 2 दिन हो चुके हैं। हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में इस फिल्म की जो एडवांस है वो अभी तक 3 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है, साथ ही साथ दोस्तों ओवरसीज में इस फिल्म की जो एडवांस है वो 20 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है। सिर्फ दोस्तों अमेरिका में ही इस फिल्म ने एडवांस के मामले में 16 से 18 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है, जिससे दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फिल्म को देखने के लिए ऑडियंस के बीच में किस तरह का क्रेज बना हुआ है। और अगर बात की जाए दोस्तों यहां पर इस फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन 120 से 150 करोड़ रुपए की ओपनिंग आसानी से मिल सकती है, जिसमें दोस्तों यह फिल्म तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन 60 से 70 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले लेगी और बाहुबली 2 के रिकॉर्ड्स को तोड़ देगी। हिंदी में दोस्तों इस फिल्म को लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए की ओपनिंग मिल सकती है। तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में भी दोस्तों इस फिल्म को 20 से 25 करोड़ रुपए की ओपनिंग मिल सकती है, यानी कि दोस्तों इस फिल्म को ओवरऑल इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ही लगभग 100 से 120 करोड़ रुपए की ओपनिंग मिलेगी। ओवरसीज में दोस्तों इस फिल्म को जो टोटल है वो लगभग 30 से 35 करोड़ रुपए की ओपनिंग मिलेगी और यह फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन 130 से 150 करोड़ रुपए की ओपनिंग आसानी से ले लेगी। वहीं अगर बात करें दोस्तों हम लोग यहां पर इस फिल्म के लाइफ टाइम की, तो दोस्तों अगर इस फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिलते हैं, यानी कि जिस तरह के रिव्यूज बाहुबली 2 को मिले थे और बाहुबली 1 को मिले थे, वैसे रिव्यूज अगर इस फिल्म को मिल जाते हैं तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बाहुबली 2 के रिकॉर्ड्स को भी तोड़ देगी और लगभग 1500 करोड़ रुपए की कमाई इंडिया और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कर लेगी। इस फिल्म को दोस्तों तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए ही इतने करोड़ कमाने होंगे कि यह फिल्म वहां की सबसे बड़ी फिल्म बन जाएगी, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के राइट्स ही लगभग 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्राइस में बिक चुके हैं। अब देखना यही है दोस्तों कि क्या ट्रिपल आर इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई कर पाती है। आपको क्या लगता है दोस्तों हिंदी में ट्रिपल आर का जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन है वो कितने करोड़ का रहेगा, 200 करोड़, 250 करोड़ या फिर 300 करोड़ का, और यह फिल्म लाइफ टाइम में कितने करोड़ की कमाई कर पाएगी। हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।